दोस्तों वेलकम टू व्हीकल इंडिया चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एसवी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैं पहले बता दूं कि अपकमिंग विटारा ब्रेजा एसवी का नाम सिर्फ ब्रेजा होने वाला है। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि अब जल्द ही ब्रेजा को इंडियन मार्केट के अंदर सनरूफ के साथ लॉन्च किया जाएगा और ये सनरूफ इलेक्ट्रिक होगी और वहीं ये अपकमिंग ब्रेजा पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस न्यू जनरेशन ब्रेजा में आपको सीएनजी की ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो सारी बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल व्हीकल इंडिया पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी अपकमिंग कारों की रिव्यू मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अपकमिंग ब्रेजा बेस्ड होने वाली है ग्रैंड विटारा एसयूवी पर, और ग्रैंड विटारा एसयूवी भी मारुति सुजुकी का काफी अच्छा व्हीकल था और अपने टाइम में काफी अच्छा स्वैग बनाकर रखा था। तो अपकमिंग ब्रेजा उसी के ऊपर बेस्ड होगी। और एक और खबर निकल कर आ रही है कि अपकमिंग मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को अब सिर्फ मारुति सुजुकी ब्रेजा के नाम से ही लॉन्च किया जाएगा, यानी कि विटारा को अब ब्रेजा से अलग कर दिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों मारुति ब्रेजा को बोल्ड प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। इसका ड्यूअल टोन डिजाइन इसे स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक देता है जो एक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी का फील कराएगी। कार का फ्रंट लुक काफी ज्यादा मस्कुलर होगा। फ्रंट डिजाइन में आपको क्रोम लाइनिंग के साथ आपको नया ग्रिल देखने को मिलेगा जिसमें आपको सुजुकी की एक लोगो नजर आएगी, और साथ ही न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRS देखने को मिलेगा जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। और कार को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मारुति सुजुकी ने फ्रंट में LED लाइट्स के साथ क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल किया है जो कार के पिछले हिस्से में जाकर टेल लाइट को कवर करती है। इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल को काफी मस्कुलर बनाया गया है जो काफी यूनिक है और इसे ज्यादा स्टाइलिश एसयूवी बनाता है। ओवरऑल दिखने में न्यू जनरेशन ब्रेजा एक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी का फील कराएगी जो यंग जनरेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो दोस्तों न्यू जनरेशन ब्रेजा के केबिन में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ड्यूअल टोन लेदर फिनिश डैशबोर्ड के साथ आपको सामने से ही 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टिविटी कन्वीनियंस के एडवांस फीचर जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट बटन के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, मल्टी ड्राइविंग मोड, रेयर AC वेंट, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और भी कई बेहतरीन फीचर्स लैस किए गए हैं। दोस्तों वहीं अब बात करते हैं न्यू जनरेशन ब्रेजा 2022 के इंजन और पावर की। तो इसमें आपको एक ही इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, और ये इंजन 4 सिलेंडर मिड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा जो कि 105 BHP के करीब पावर और 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको 6-speed मैनुअल के साथ 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में नजर आएगी। तो वहीं फाइनली अब बात करें इसके लॉन्च और प्राइस की। तो न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी ब्रेजा की प्राइस एक्स शोरूम इन दिल्ली 8 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। और प्राइस में फाइनली 2022 के अगस्त के महीने में लॉन्च किया जाएगा न्यू जनरेशन ब्रेजा को। तो दोस्तों ये अपकमिंग ब्रेजा न्यू जनरेशन आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आप भी इस एसयूवी को बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करना। तो साथ ही वीडियो में आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।